एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी तरह की तैयारियां श्रावण महीने में ही कर दिया गया है। उन्होंने कहा, जनपद में बढ़लगंज से जल भरकर पिपराइच में जल चढ़ाते हैं और जिस रास्ते में कांवड़ यात्री चलते हैं और जहां जल चढ़ाते हैं वहां पर पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई है तथा कुछ मार्गों का डायवर्जन किया गया है, जिससे कि कांवड़ यात्रियों को आने जाने में किसी तरह की असुविधा ना हो। उन्होंने कहा, मंदिरों पर जनपद पुलिस व पीएससी व बाहरी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। मंदिरों की सीसीटीवी कैमरा व ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर व्यापक प्रबंध जो है वो सावन महीने के शुरुआत से ही कर लिए गए हैं। विगत जो सोमवार था उस दिन पर, उससे पहले एक रात में, जहाँ से जल भरा जाता है और जिस रूट पे कांवड़ यात्री चलते हैं और जहाँ पर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, सभी जगह पर पुलिस की प्रेजेंस रही। विशेष रूप से रूट को कैसे सिक्योर किया जाए, कोई घटना दुर्घटना ना हो पाए, और पुलिस की प्रेजेंस अगर कोई घटना होती है तो त्वरित उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सके, इसके लिए सभी अधिकारी जो है पूर्व से भी उनकी ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है। इस बार भी वो ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे और किसी भी घटना को होने से बचाया जा सके इसकी पूरी तैयारी भी हम लोगों को मिली है। और बाकी जहाँ जहाँ पर आयोजन बड़े होते हैं वहाँ पर अन्य थानों से भी फोर्स वहाँ पर लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरास वगैरह की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमरास की मदद ली जा रही है, और इसको एक अच्छे माहौल में ये त्यौहार संपन्न हो उसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं।